नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। देखिए पीछे से भी कितना खूबसूरत है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 8 नंबर में फंदे चाहिए, यानी जो 2 से ना कटते हो, जैसे 11, 13, 15, 21, 39 ऐसे फंदे हमें चाहिए जो 2 से ना कटते हो, तो ये डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी के ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है वैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आप उसे पहली लाइन समझें। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से है, तो पहली लाइन में पहला फंदा स्लिप कर लीजिए और शेष सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे, शेष सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। यानी पहली लाइन में भी सभी फंदे सीधे और दूसरी लाइन में भी सभी फंदे सीधे। तो दूसरी लाइन में भी सभी फंदे सीधे बुन लिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है। तो तीसरी लाइन में हम पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। अब अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे और नेक्स्ट अगले फंदे को हम ऐसे पर्ल वाई सिलाई डालना है और फिर ऊन को दूसरी ओर कर लेना है। इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, ऊन को दूसरी ओर कर लेना है। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 2 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, दूसरे फंदे को ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर कर लेंगे। अगला फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे उनको अपनी ओर करेंगे। दूसरे फंदे को हमें बुनना नहीं है, बस स्लिप कर लेना है, फिर उनको दूसरी ओर कर लेना है। यानी उन इस फंदे के ऊपर से ऐसे जाना चाहिए। अगले फंदे को सीधा बुनना है, उनको अपनी ओर करना है, अगले फंदे को स्लिप करना है और उनको घुमाकर वापस दूसरी ओर कर लेना है। ये देखिए हमारा धागा इस फंदे के ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है। तो पूरी लाइन में हमें बस इन्हीं 2 फंदों को दोहराना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है, उसके पहले उनको हमें अपनी ओर कर लेना है। लास्ट में देखिए 2 फंदे बचे हैं, तो दोनों को सीधा बुन लेना है। तो इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो पहला फंदा स्लिप किया, देखिए अगला फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट फंदा देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, ये हमारा देखिए ये फंदा है, धागा उस तरफ से गया हुआ है। तो इस लाइन में भी हमें इस फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर करेंगे, फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। अगला फंदा देखिए ये उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। देखिए ये वाला फंदा जो सीधा दिखाई दे रहा है ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इसे चौथी लाइन में हम स्लिप कर लेंगे। एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, एक फंदे को स्लिप करना है, फिर उनको अपनी ओर करना है, अगले फंदे को उल्टा बुनना है। देखिए ये फंदा स्लिप किया हुआ फंदा है, ये फंदा स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इस लाइन में भी हमें इसे स्लिप करना है। स्लिप किया, उनको वापस अपनी ओर किया। अगला फंदा हमें उल्टा बुनना है, उल्टा बुना, उन दूसरी ओर अगला फंदा स्लिप करना है, फिर उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। देखिए ये फंदा स्लिप किया हुआ फंदा है, धागा देखिए दूसरी तरफ से गया हुआ है, बिना बुने धागा गया है, तो इस लाइन में भी हमें इसे स्लिप करना है। उनको अपनी ओर किया, अगला फंदा देखिए ये उल्टा फंदा है, इसे वापस उल्टा, एक फंदा उल्टा बुनना है और दूसरा फंदा हमें स्लिप करना है। दो ही फंदे का ये डिज़ाइन है और इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। स्लिप किया, उन अपनी ओर। अब देखिए लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो दोनों को हम उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं चार लाइनों को हमें दोहराना है। अब हमको फिर से यही चार लाइन रिपीट करना है, यानी पहली लाइन में सभी फंदे सीधे, सीधा बुनने से देखिए डिज़ाइन में उभार आ जा रहा है। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे, दूसरी लाइन में सभी फंदे रॉन्ग साइड से भी सीधे ही बुने जाएंगे। तीसरी लाइन में हमें एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा स्लिप करना है। स्लिप करने से पहले उनको हमें अपनी ओर कर लेना है। फिर चौथी लाइन में एक फंदा उल्टा, जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनना है, ये वाले फंदे को स्लिप कर देना है। इन्हीं चार लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।